आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आज कच्चे तेल की कीमत में तेजी देखी जा रही है, WTI क्रूड में भी तेजी देखी जा रही है। दरअसल कच्चे तेल में तेजी के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि डॉलर में गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि जब डॉलर कमजोर होता है तो कच्चे तेल में तेजी आती है। दूसरी तरफ सप्लाई साइड की समस्या बरकरार है। ऐसे में मांग की कमी के कारण ओवर सप्लाई की स्थिति नहीं है, इससे कच्चे तेल की कीमत को समर्थन मिल सकता है। पिछले 5 सप्ताह से कच्चे तेल के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। इसका प्रमुख कारण था कि मंदी की आहट बीच डॉलर मजबूत हो रहा था। मंदी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर असर होगा और तेल की डिमांड घटेगी। दूसरी तरफ चीन में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया था, इससे भी मांग पर असर होगा। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। मांग में सुस्ती के कारण ही कच्चे तेल के भाव में कमी देखी जा रही थी। मैं बता दें कि ईरान ने एशिया देशों के लिए कच्चा तेल महंगा किया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अगस्त महीने के लिए एशियन देशों के लिए कच्चे तेल का भाव बढ़ा दिया है। सऊदी अरब अब खुलकर सप्लाई करने को तैयार नहीं है। वहीं सप्लाई साइड की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अरब की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का मकसद था कि वह गल्फ देशों को ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन के लिए राजी कर सके। इससे सप्लाई में नरमी आने का कीमत पर असर होगा और महंगाई को कम करने को मदद मिलेगी। हालांकि उनकी कोशिश रंग नहीं ला पाई है। माना जा रहा है कि खाड़ी देश धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। वहीं तात्कालिक इसमें राहत नहीं है। बाइडेन की यात्रा के बाद सऊदी ने साफ कर दिया कि वह 13 मिलियन बैरल रोजाना से ज्यादा अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। इस बीच 3 अगस्त को ओपेक प्लस देशों की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में रूस भी शामिल होगा। बैठक में ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर विचार किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो वादा है उसकी मियाद सितंबर में पूरी हो रही है। एनर्जी मार्केट की नज़र रशियन नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के दोबारा कामकाज में वापसी पर है। अभी यहां बता दें कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। 21 जुलाई से ये सर्विस दोबारा बहाल होने की संभावना है। जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को इसी पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होती है। अगर सप्लाई में किसी तरह की समस्या आती है तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी और दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।